आप यही क्यों आर्यन, आप ही ये बढ़िया लग रही है आपकी ये चोटियां। सच में सुबह के 7 बज चुके हैं, हम करगिल में अभी है और निकल रहे हैं क्योंकि सफर दूर है, इसलिए हम निकल रहे हैं आर्यन वैली की ओर। तो आज हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारा इंतजार खत्म होने वाला है और आज जा रहे हैं हम आर्यन वैली के उन गांव में जहां की हकीकत को आपके सामने रखना है। क्या सच में यूरोप से लड़कियां यहां पे सिर्फ खुद को प्रेग्नेंट करने के लिए आती है या फिर इसके पीछे और भी कोई हकीकत है या फिर ये सिर्फ झूठी कहानी है। रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, खाली 80-90 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता मुश्किल है क्योंकि पहाड़ों की ओर से जाना पड़ेगा। हमने जब यहाँ पे इस रास्ते के बारे में पता किया तो हमें पता चला रास्ता तो ठीक है लेकिन हमें पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो करगिल से हम निकले हैं, करीब हमने 40 किलोमीटर अभी तक जो है कवर किया है। आर्यन वैली की ओर हम जा रहे हैं और अभी भी हम चढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। तो जो मेन रास्ता है वो जो आ रहा है ये रास्ते से आगे हम पटालिक 25 किलोमीटर। लाल पहाड़ है, ये पूरे पत्थर लाल है और नीचे ये बस्ती। तो फाइनली हम पहुंचे हैं आर्यन के पहले गांव में जिसका नाम है दार्चिक। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और यहाँ पे इस गांव में गधे भी देखने को मिलेंगे। आप यहाँ रहते हो इस साइड? अच्छा वो आ गया है, चलो। तो अभी हमने यहाँ पे पता किया एक बच्चे से, तो उसने कहा ये जो गांव है यहाँ से स्टार्ट होता है दार्चिक, और दार्चिक जो गांव है वो है आर्यन वैली का एक गांव। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे असली जो गांव है दार्चिक गांव आर्यन का वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे है, उन घरों के पास ले जा रहा है ये रोड, तो हम आगे जाएंगे और वहीं पे पता करेंगे। दार्चिक ये भी आर्यन का गांव है ना? आप आर्यन हो? अच्छा आर्यन वैली यही है ना, आर्यन वैली। और इसका इस गांव को दार्चिक बोलते हैं, दा गांव नीचे है। ये दार्चिक है, ऊपर वाला घर कौन है, दा गांव कहां पे है, वो आगे है। तो यहां पे हमारी मुलाकात हुई इस गांव की एक औरत से, तो इन्होंने कहा कि ये गांव दार्चिक है, ये आर्यन का गांव है और इसके आगे एक गांव है गारकोन और फिर दा है और हानू है, यानी कि इस गांव से थोड़ा दूर वो तीन गांव हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं इस गांव में बहू हूँ, मेरी इस गांव में शादी हुई है, लेकिन मैं आर्यन नहीं हूँ, मैं करगिल साइड के दूसरे गाँव से हूँ। फंस गई यहाँ। घर वालों की मर्जी से शादी हुई कि खुद की आपने, तभी फंस गई यहाँ। नहीं हमने सुना था जर्मनी से फ्रांस से लड़कियां आती है वो यहाँ पे रहती है। अच्छा जब से आप यहाँ पे आई ना, जब आपकी शादी हुई तब होता था? तो थोड़ा बहुत था। अच्छा अब कम कम आते हैं, उतने ज्यादा नहीं आते, वो ज्यादा उधर ही जाते हैं। जब हमने प्रेगनेंसी टूरिज्म के बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने भी सुना है लेकिन देखा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप किसी मर्द या बुजुर्ग से यहाँ पे बात करें, वो आपको इसका सही जवाब देगा। दार्चिक गांव में पहुंचे और हमें यहाँ पे एक आर्यन मिले हैं, तो इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि हम अभी दीदी से बात कर रहे थे, वो यहाँ की नहीं है, उनकी शादी हुई है यहाँ पे, तो एक्चुअली वो आर्यन नहीं है। तो इस गांव का क्या नाम है? दार्चिक। दार्चिक, अच्छा तो ये 5 गांव है। हाँ ये आर्यन वाले है, दा है दा। अच्छा शुरू में दा है, इसके बाद तो गारकोन है, ये दार्चिक ना वो तो कहता होगा सर। फिर मेरे को इतना जो पहले के बारे में क्या क्या होते हैं पुराने जमाने की बात। तो दार्चिक गांव में जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया या यूं कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अभी हम निकल रहे हैं दार्चिक गांव से गारकोन की ओर। फाइनली 10 किलोमीटर दूर दार्चिक से हम गारकोन गांव में पहुंच चुके हैं। दादी ठीक हो? अच्छे से हो, मजे में हो, क्या कर रहे हो? हिंदी आती है? हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। अच्छा आप आर्यन हो ना? आपका नाम क्या है? हमारे नाम शिवान डोलमा।
शुभान डोलमा। हाँ। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? दो लड़के हैं। दो लड़का है, लड़की कोई नहीं? मर गया ना। अच्छा तो ये नहीं लगाता है। अच्छा जिसका कोई मर जाता है वो लगाता है। हाँ, तो यहाँ पे वो मतलब वो दूसरे मुल्कों के वो आते हैं लोग? कौन? अंग्रेज। अंग्रेज लोग? हाँ? आते हैं। हाँ। अच्छा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आते? आप कहाँ के? हम कश्मीर के हैं। गांव से लड़की लड़का शादी करते हैं। अच्छा गांव में ही शादी? हाँ। करते हैं, बाहर नहीं? नहीं। अच्छा अपने ही साथ? हाँ। आर्यन बाहर शादी किसी से नहीं करते? नहीं। आर्यन आर्यन के साथ ही? हाँ। अच्छा। हाँ तो जैसे ही हमने दादी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले जमाने में होता था लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। तो दादी से बात करके जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक बुजुर्ग, एक और बुजुर्ग दिखे। ये हमारे यहाँ पे दादा बैठे हैं, असली ओरिजिनल आर्यन है ये, है ना? तो दादा आपकी उम्र क्या है? 80 है। 80 है इनकी एज। और पहले से यहाँ रह रहे हो? अच्छा दादा भी रह चुका है। अच्छा अच्छा तो इस आर्यन वैली में कितने गांव आते हैं? तीन। कौन कौन सा? दा गारकुन और दार्चिक। अच्छा दार्चिक आगे है? हाँ दार्चिक से होके हम आ गए, अब आए यहाँ पे। अच्छा अच्छा और गर्मी में ऊपर सर्दी में नीचे रहते। अच्छा बोलते हैं। हाँ तो इन बुजुर्ग से भी बात करके हमें असली जवाब अभी तक नहीं मिल चुका था। इनका कहना था कि पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता था कि ये शायद सच नहीं बोलना चाहते। तो अभी भी हमारा जो सवाल था वो अधूरा था, हमें जवाब नहीं मिल चुका था। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें कुछ बच्चे मिले। इन बच्चों ने कहा कि यहाँ पे आर्यंस का एक म्यूजियम है, जिस म्यूजियम में अलेक्जेंडर के जमाने की कुछ चीजें हैं जो तब के आर्यंस इस्तेमाल करते थे, और वहाँ पे आर्यंस के कुछ फोटोज भी है। तो हमने सोचा कि हम म्यूजियम में जाते हैं, शायद वहाँ से हमें कुछ सबूत मिल जाए। तो हम जा रहे हैं ऊपर म्यूजियम देखने। यहाँ पे कोई म्यूजियम है और हमारे आगे है, आपका क्या नाम बोला? अरे नाम बोलो ना, मुझे इनके नाम बोलने ही नहीं आते हैं। यहाँ अंदर जाना है? ये पुरनी पुरनी घर है, पुरना। अंदर जाना पड़ेगा हमें म्यूजियम के अंदर। हाँ ये पुराने जमाने की जो यूज होती थी उस जमाने की ये चीजें हैं इस म्यूजियम के अंदर। ये देखिए पत्थर साइड में लगे हुए हैं और ऊपर से ये लकड़ी लगा के म्यूजियम बना दिया है। ये और दूसरा कमरा है। पुराने जमाने की चीजें हैं। नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे क्या है? उधर हाँ क्या है बेटा नीचे? उधर नीचे क्या है? स्टोर रूम है। अच्छा ये कुछ बच्चे हमारे साथ, इन्होंने हमें ये म्यूजियम दिखाया। यहाँ पे एक और कमरा, पुरानी गुफा जैसे कमरे हैं। और ये है यॉक जिसे कहते हैं, उसकी खाल यहाँ पे। और ये कुछ पुराने जमाने की चीजें रखी हुई है यहाँ पे, ये पुराने मटके, पुरानी चीजें। ये है आर्यंस की पहचान, दार्चिक एन अबोर ऑफ आर्यन वैली। यहाँ पे आप देखें, देखिए यह है आर्यन की असली शक्ल। देखिए ब्यूटी, खूबसूरती देखिए, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोग, आर्यन लोग। इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं इनको देखने के लिए। ये देखिए ये ब्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लोग आर्यंस है। और इनका कल्चर देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितने प्यारे बच्चे हैं।
म्यूजियम में हमें आर्यन वैली के पुरानी चीजें और वो फोटोज भी देखने को मिले, लेकिन अभी भी प्रेगनेंसी टूरिज्म का सवाल बाकी था, अभी भी हमें उसका जवाब ढूंढना था। आप यही क्यों आर्यन, आप भी, ये बढ़िया लग रही है आपकी ये चोटियां सच में। तो फाइनली हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जिन्होंने हमें प्रेगनेंसी टूरिज्म के सवाल का सही सही जवाब दिया। अच्छा, हमने ये सुना है कि बाहर के लड़के यहाँ पे शादी करने आती है कि झूठ है ये? अच्छा, पहले सही बात है ये? नहीं नहीं, बस रुकते हैं, चले जाते हैं, देखने के लिए आते हैं। वो भी आते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं, शादी आ कर दिया यार। बच्चा बेचारा लेके जाते हैं आजकल भी? आजकल नहीं तो क्या, कौन से जमाने? नहीं, हमने सुना, हमने एक बंदे से यहाँ पे बात की, उसने कहा कि मेरे दादा के जमाने की बात है, उस टाइम होता था, आज नहीं होता है। तभी तो उनके दादा ने भी किया होगा। उनके दादा ने भी किया होगा। अपन में थोड़ी चले गए रे, वो अलग काम, थोड़ा हाँ चुपके से पर चलता है। हाँ क्या नहीं चलता है, क्या है? निसार। निसार के पास आप जब बैठी 2 महीने के लिए, तो आप निसार को कितना पैसा दिया? मैं कैसे पूछूं यार, आपकी शर्म की बात है। नहीं नहीं सही, मतलब कितने दिन वो रहते हैं? फिर भी 2-3 दिन, 3-3 महीना तक रहती है। तो ये सही बात है। सही तो इनका कहना है कि पहले जमाने में बेशक ये होता था, लेकिन आज के लोग ये जाहिर करने से डरते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि ये बात जाहिर करने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा आज भी होता है। बाहर की लड़कियां आती है, एक एक दो दो महीना रहती है, फिर चली जाती है, आज भी होता है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे गलत टाइम पे आ गए, क्योंकि अगली 20 तारीख को यानी कि 20 सितंबर से लेकर 27 तक इनका एक फेस्टिवल चलने वाला है, जो कि 3 साल बाद आता है, 3-3 साल बाद आता है। वो फेस्टिवल 20 से लेकर 27 तक इनका चलेगा, जो कि आर्यंस का अपना फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, जहां पे फॉरेनर्स भी होंगे, अंग्रेज लड़कियां भी होंगी, जर्मन भी होंगी, फ्रांस की भी होंगी, सारी लड़कियां होंगी। अब बोलो अपना नाम, जोर से बोलो। कौन रंतोन? ये क्यों हंस रहे हैं? फिर से बोल। पंचो जानतोन। अच्छा अच्छा, आपका आपका सिंदोजे आपका आसान है, और आपका कौनचो दोर्जे। कौनचो दोर्जे,